नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है बच्चों कि मैं आपको रीड की तैयारी करवा रही हूँ। रीड की तैयारी के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रीड की तैयारी आप कैसे करें, और आप लोगों का सहयोग ही था कि आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा। मैं यही चाहती हूँ बच्चों कि आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकूं। तो आज अपना टॉपिक है बच्चों वैदिक साहित्य। इतिहास वाला जो पोर्शन है बच्चों आपका कौन सा, इतिहास। इतिहास जो आपके 20 नंबर की आएगी उसमें आपका ये टॉपिक है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य वाला जो टॉपिक है वो आपके रीड लेवल सेकंड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपके अगर वैदिक सभ्यता में से अब तक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उत्तर किए गए हैं बच्चों वो किस में से किए गए हैं, वो किए गए हैं वैदिक साहित्य में से। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आप रीड लेवल सेकंड की तैयारी के लिए नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहे। तो आज अपना टॉपिक है बच्चों वैदिक साहित्य। आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि वैदिक साहित्य से हमें वैदिक सभ्यता का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है बच्चों, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को हमने पिछले वीडियो में दो भागों में बांटा था बच्चों। एक था आपका ऋग्वेदिक काल और दूसरा काल था बच्चों आपका उत्तर वैदिक काल। इन दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा था बच्चों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है। आप सब जानते हैं बच्चों, मैंने पहले आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था उसमें बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान हमें पुरातात्विक सामग्री से मिलती है, जबकि वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। वैदिक साहित्य में सबसे पहला आता है बच्चों आपके वेद। क्या आता है, वेद। वेद जो है संस्कृत की विद धातु से बना है बच्चों। कौन सी धातु से बना है, संस्कृत की विद धातु से जो है वो बना है। और विद का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, विद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान होता है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से होता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। और वेदों को जो है श्रुति संहिता के नाम से, श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, श्रुति ग्रंथ के नाम से भी वेदों को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि वेद जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इनको गुरु के द्वारा बोला गया और शिष्य के द्वारा इसको सुना गया। इसके आधार पर जो है आपके वेदों की रचना हुई है, इसीलिए वेद साहित्य को श्रुति साहित्य या वेदों को श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। अब बात आती है बच्चों कि जो वेद है उन्हें हम संहिता ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संहिता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वेदों की रचना एक व्यक्ति के द्वारा एक ही स्थान पर नहीं हुई, क्रमबद्ध तरीके से इनका निर्माण हुआ है बच्चों। इसीलिए वेदों को संहिता ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। तो वेद संस्कृत की विद धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान या जानना होता है। वेदों को संहिता या श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। वेद बच्चों चार है, कितने हैं, चार। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है बच्चों अथर्ववेद। तो सबसे पहला ग्रंथ
ऋग्वेद की हम बात करें बच्चों, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन जो वेद है बच्चों वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद से हमें ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता के बारे में पता चलता है। ऋग्वेदिक कालीन समाज कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनकी तात्कालिक परिस्थितियां कैसी थी, इसके बारे में ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है बच्चों। ऋग्वेद की बात करें बच्चों तो इसमें कुल मंत्र है 10548 जो है इसमें मंत्र है। कितने हैं? 10598 इसमें मंत्र है। कुल सूक्त ऋग्वेद में 1028 है और इसमें 10 मंडल है बच्चों। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और कुल मंत्रों की संख्या कितनी है बच्चों? कुल मंत्रों की संख्या जो है वो कितनी है? 10598 जो है वो कुल मंत्रों की संख्या मानी जाती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम ऋग्वेद की बात करें, किसकी बात करें? ऋग्वेद की बात करें बच्चों तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल है? तीसरा और दसवां मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें तत्कालीन समाज की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है दसवें मंडल में। इसके अलावा जो तीसरा मंडल है बच्चों उसमें जो है हमें इसके बारे में पता चलता है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है बच्चों वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। जिनमें जो है नदियों का उल्लेख जो है वो भी किसमें मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। ये दो मंडल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है रीट एग्जाम की दृष्टिकोण से, कि आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडलों में से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और दसवें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद से हमें तत्कालीन समाज की राजनीतिक दशा का उल्लेख देखने को मिलता है बच्चों। अब दूसरा है बच्चों आपका कौन सा? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञ से संबंधित जो विधान मिलता है, यज्ञ संबंधित जो विधान मिलता है बच्चों वो किसको बोलते हैं? उसमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद के कुछ भाग गद्य में हैं और कुछ भाग पद्य में हमें देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के चार पार्ट हैं, कांटक, कपिष्टक, तैत्रीय और नेत्रीय। कृष्ण यजुर्वेद के चार पार्ट है और आपका शुक्ल यजुर्वेद के दो भाग है, कर्ण और माध्य नंदिनी। आप देखो कृष्ण यजुर्वेद के चार भाग है, आपको याद करना है इनको बच्चों, काटक, कपिष्टल, तैत्रीय और नेत्री। इसके अलावा शुक्ल यजुर्वेद के दो भाग है, कर्ण और माध्य नंदिनी। इन दो भागों के अलावा ये आपके आते हैं यजुर्वेद में, और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधान हमें देखने को मिलता है। और यज्ञ संबंधी विधान जो बताने वाला है उसमें उसको बोला जाता है, जो उद्गाता होता है, जो मंत्र बोलने वाला होता है उसको अर्धव्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? अर्धव्यू के नाम से जाना जाता है। जबकि ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला है उसको ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्म कहलाता है, जबकि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अर्धव्यु कहलाता है। ये दो वेद हो चुके हैं बच्चों। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, कितने मंडल? 10 मंडल। दसवें मंडल में पुरुष सूक्त, यजुर्वेद के दो पार्ट, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के चार पार्ट, शुक्ल यजुर्वेद के
दो पाठ शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। अब आता है बच्चों आपका तीसरा वेद है सामवेद। क्या है बच्चों? सामवेद है। सामवेद में क्या है बच्चों? देखो बच्चों, संगीत से संबंधित जितनी भी रागे है, संगीत से संबंधित जो आपका वेद है वो है आपका कौन सा? सामवेद है। कौन सा है? सामवेद है। इसके बाद चौथा वेद जो आता है बच्चों वो आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसको हम ब्रह्म वेद के नाम से जानते हैं और अथर्ववेद से हमें उत्तर वैदिक सभ्यता का ज्ञान होता है। कौन सी सभ्यता का? उत्तर वैदिक सभ्यता का ज्ञान होता है। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हमें ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में पता करना है, कौन सी सभ्यता के बारे में? ऋग्वेदिक, तो इसका ज्ञान देते हैं तीन वेद, ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है आपका सामवेद। अगर हमें ऋग्वेदिक सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करना है तो इन तीनों वेदों से मिलता है बच्चों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करना है बच्चों तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है किससे? अथर्ववेद से। अथर्ववेद जिसको हम ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में बच्चों जादू टोना, जादू टोने के बारे में जिसमें उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कर्म कांडों का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। विभिन्न रोगों और उसके निदानों के बारे में भी उल्लेख कौन करता है बच्चों? अथर्ववेद करता है। अथर्ववेद से हमें उत्तर वैदिक सभ्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक सभ्यता में जितने भी कर्म कांड और यज्ञ हुआ करते थे उन सब का उल्लेख हमें अथर्ववेद के माध्यम से पता चलता है। अब हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ा बच्चों। पहला वेद पढ़ा ऋग्वेद, दूसरा पढ़ा यजुर्वेद, तीसरा पढ़ा सामवेद और चौथा वेद हमने पढ़ा कौन सा? अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में पढ़ा तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले जो हमें बताते हैं वो कौन बताते हैं? वेदों के माध्यम से हमें पता चलता है। वेद मैंने आपको चार बता ही दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद और चौथा मैंने आपको बताया अथर्ववेद। इन चारों वेदों से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अब दूसरा जो हमें पता चलता है बच्चों वो किससे पता चलता है? ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से। किसके माध्यम से? ब्राह्मण। देखो बच्चों, ऋग्वेदिक जो रचनाएं हुई थी उनका रचना हुई थी आपकी पद्य भाषा में, मंत्रों के माध्यम से, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में इन चारों वेदों को ही गद्य भाषा और सरल भाषा में ब्राह्मण ग्रंथों में प्रस्तुतीकरण किया गया बच्चों। इसके बारे में देखो, ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए वो लिखे गए ऋग्वेद से संबंधित दो ग्रंथ लिखे गए, ऐत्रेय और कौशिकी। तो ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए बच्चों, आपको याद रखना है। कई बार रीट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ध्यान रखना है बच्चों ऐत्रेय और कौशिकी, ये दो ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा आता है बच्चों यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित दो याद रखने हैं बच्चों आपको, ऐत्रेय और दूसरा है आपका शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जिनमें यजुर्वेद से संबंधित सरल भाषा में प्रस्तुतीकरण किया गया है। तीसरा आता है बच्चों आपका सामवेद। कौन सा आता है तीसरा ग्रंथ? सामवेद। सामवेद में आपको क्या देखने को मिलता है?
गोपद ब्राह्मण ग्रंथ के दर्शन होते हैं। किससे? सामवेद से। जबकि अथर्ववेद में जेमनिया, पंचविश और षड्विश ये तीनों ब्राह्मण ग्रंथ की रचना अथर्ववेद के आधार पर की गई थी। तो चारों जो आपके वेद हैं उनके आधार पर ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी बच्चों। तो आज हमने वैदिक साहित्य के पार्ट फर्स्ट में दो चीजें पढ़ी, एक वेद पढ़ा, चारों वेदों के बारे में सुना, और दूसरा आपने सुना ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथों में आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद से संबंधित दो है, ऐत्रेय और कौशिकक की। यजुर्वेद से संबंधित दो है, ऐत्रेय और शतपथ। सामवेद से संबंधित एक है, गोपद। और चौथा आता है आपका कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको याद रखना है जेमनिया ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। तो इन तीनों जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना है वो अथर्ववेद के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो हमने वेद पढ़ लिया, हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए। तो मंडल कितने हैं ऋग्वेद में विद्यार्थियों? ऋग्वेद में मंडल है विद्यार्थियों 10। दसवें मंडल में आपके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है बच्चों। वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण पढ़ लिए, इनके बाद में आता है बच्चों आपके क्या? आरण्यक। क्या आता है? आरण्य ग्रंथ। एकांत और जंगलों में बैठकर जिन ग्रंथों की रचना हुई उनका नाम है आरण्य ग्रंथ। कौन से हैं बच्चों? आरण्य ग्रंथ। और आरण्यकों के बाद लिखे गए बच्चों उपनिषद। देखो बच्चों, अब तक आपने तीन चीजें पढ़ी, वेद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े और आरण्य ग्रंथ पढ़े। अब तक केवल कर्म कांडों का उल्लेख किया गया था, अब आता है आध्यात्मिकता। रहस्यवाद यहाँ पर आ चुका था, आरण्य ग्रंथों में रहस्यवाद आ चुका था, लेकिन उपनिषद जो है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, चेतना क्या है, ये सब उपनिषद बताते हैं। तो उपनिषद से हमारे वैदिक साहित्य में रहस्यवाद, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो आज आपने वैदिक साहित्य के पार्ट फर्स्ट में वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा। रीड लेवल सेकंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो आप इतिहास से संबंधित रीड लेवल सेकंड के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक था आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। सेकंड टॉपिक आपके चल रहा है बच्चों वैदिक सभ्यता। तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आगे के वीडियोस में उन सब चीज़ों को शामिल कर सकूं। और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वैदिक साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो पहले आप वैदिक साहित्य को पढ़िए, फिर अपना मूल्यांकन कीजिए बच्चों। धन्यवाद।